नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह श्रीयम जी का, मधु जी आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सखी पूजा, आपको भी आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। कल हमने रामचंद्र शुक्ल जी की बौद्ध शाखा को पढ़ा था और जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चलिए उसको देख लेते हैं। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ही वज्रयान शाखा से है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो गोरखनाथ का नाथ पंथ था उसका मूल कहाँ से था? बौद्धों की वज्रयान शाखा से। इसीलिए 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा भी गिन लिए गए। कौन है जो दोनों में गिने जाते हैं, सिद्धों में भी और नाथों में भी? तो ये याद रखिएगा, गोरखनाथ यानी गोरक्षपा इन्हें सिद्धों में और नाथों में दोनों में ही गिना जाता है। अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल संस्कृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। मतलब गोरखनाथ जी के जन्म का ठीक से पता नहीं चल सका है। राहुल संस्कृत्यायन जी के अनुसार लगभग उनका जो जन्म समय है वो 10वीं शताब्दी आता है। उसका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, याद रखिएगा। उसका आधार क्या है? वज्र यानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर चोपम कथा, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरतीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांस्कृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, ठीक है, जो परंपरा से प्रसिद्ध भी चला आ रहा है, जो परंपरा से भी प्रसिद्ध था। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छंदर नाथ भी कहते हैं, थे। यह तो प्रसिद्ध ही है, मतलब ये तो प्रसिद्ध ही है कि जो गोरखनाथ के गुरु थे वो मच्छंदर नाथ यानी मत्स्येंद्रनाथ थे। संस्कृत्यायन जी ने मीननाथ यानी मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया है पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख है तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य है के अतिरिक्त कोई और संबंध ना हो। मतलब ये भी हो सकता है कि जो 84 सिद्ध थे, क्योंकि उनके नामों में हेर फेर होनी बहुत संभव थी, तो ये भी संभव है कि जो गोरक्षपा नाम है और चौरंगीपा नाम है ये बाद में जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र नाम का साम्य, सिर्फ नाम के साम्य के अतिरिक्त उनमें परस्पर और कोई भी संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने तो दोनों को बिल्कुल अलग भी माना है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा किन के साम्यता की बात हो रही है, मीनपा से मत्स्येंद्रनाथ की। हो सकता है ये प्रश्न पूछ दिया जाए। संदेह ये देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। किसका कोई विवरण नहीं है? गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता।
महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय यानी कि संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने ये परंपरा इस क्रम में बताई है। आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर, यानी कि सबसे पहले आदिनाथ, उनके शिष्य मच्छेंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर गैनीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ, फिर ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। नाथ परंपरा में जो मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हैं वो कौन माने जाते हैं? जलंधरनाथ। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ ही कहे गए हैं। मतलब जो भोट ग्रंथ थे उसमें भी जो आदिनाथ हैं, जलंधर को ही आदिनाथ बताया गया है। इन सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। मतलब ये सारी जानकारियों से हमें ये पता चलता है कि जो जलंधर से ही सिद्धों की परंपरा नाथों की परंपरा से अलग हुई, वहीं से जलंधर ने अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहीं कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। कहाँ पर है बालनाथ का टीका? नमक के पहाड़ों के बीच। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की ये धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर नाथ ही थे। मतलब मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, इसमें शंका हो सकती है, परंतु ये कोई शंका नहीं है इसमें कि मत्स्येंद्र के गुरु थे वो जलंधर नाथ ही थे। संस्कृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर, मतलब संस्कृत्यायन जी ने गोरखनाथ का जो समय बताया है अपनी पुस्तक में, संस्कृत्यायन जी ने गोरखनाथ का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा के को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर किया है। मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता है। यदि मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध नहीं है तो फिर इस आधार पर गोरखनाथ का समय सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ हो जाता है। कब? पृथ्वीराज के समय के आसपास या कुछ बाद में। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। ध्यान रखिएगा, वैसे ये चीज तो सबको पता होगी, सिद्ध 84 थे और नाथ 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के मार्ग प्रवर्तकों के नाम में गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। ये याद रखिएगा, नागार्जुन, चरपट और जलंधर ये तीनों दोनों परंपरा में आ रहे हैं। नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन संवत 702 के प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख भी मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचय होना अच्छी तरह से माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीर और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिसका प्रभाव पहले से जमा आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषता सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा करामाती दंगल कहा जाता था, क्योंकि अब यहाँ पे ये देखिए सूफी भी थे, वो भी अपनी करामातों से भोली भाली जनता को बहला रहे थे, बेकूफ बना रहे थे, वहीं सिद्ध और नाथ भी इसी काम में लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं दोनों को आपस में एक प्रतियोगिता झेलनी पड़ी, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा हुई दोनों के बीच में। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चलती थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति अपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये नाथ परंपरा से, नाथ संप्रदाय ने शुरू किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों का, सूफियों का, नाथों और सिद्धों का विद्वेष मिटाना चाहते थे, क्योंकि सूफी मूर्ति पूजा बहुदेवोपासक थे नहीं, उनको इससे चिढ़ होती थी, तो उन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला जिसमें मूर्ति पूजा या बहुदेव उपासना ना होकर ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता था, वही संस्कार वो अपने शिष्यों में छोड़ गए। जहाँ पर वेद शास्त्र को व्यर्थ बताया, विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई, तीर्थाटन आदि, मतलब जो तीर्थाटन होते हैं, लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, वो सब बेकार बताए गए। योग शास्त्रम पठे नित्यम कि मन्ये शास्त्र विस्तरे न वेदो वेद इत्यार्वेदा वेदो निगद्यते परमात्मा विद्यते एन स वेदो वेद उच्यते। न संध्या संधि रित्याहु संध्या संधि निर्गदत्ते सुसुम्ना संधिगः प्राणः सा संध्या संधि रुच्यते। अंतस्ता साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है।
अंत साधना के वर्णन में जो हृदय होता है उसको दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय दर्पणम यस्य मनस्तस्त्रा विलोकयेत् दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। संस्कृत के ये श्लोक कभी पूछे नहीं गए आज तक की परीक्षाओं में, और आगे भी बहुत कम संभावना है। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है, शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम च जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लुहिपा भी कह गए हैं, भाव न होई अभाव न होई, ऐ संबोहे किए पतायाई। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयानी सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, नाथांसो नादो नाथांसः प्राणः सक्यतस्यो बिंदुः बिंदुरस्यः शरीरम्। ए गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज द्वारा संपादित। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। सिद्ध और हठ योगी क्या मानते थे? नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति, किससे? नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध भी मानते थे और हठ योगी भी मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्य प्रतरन्नपि गंगायाम नैव श्वान शुद्धि महर्तति तस्माद् मार्धियाम पूसाम तीर्थ स्नानम तु निष्फलम। मतलब सिद्ध और हठ योगी दोनों ही तीर्थ यात्रा को निष्फल मानते थे, ये इन्होंने अपने चित्त शोधन प्रकरण में भी कहा है। किसने? आर्यदेव ने। धर्मे यदि भवेत स्नानात् कैवर्तानां कृतार्थ कृतार्थता नक्तम दिव्यम प्रविष्टानाम मश्यादीनाम तु काकत। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे। जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीके, मछरी न तरी जाको पानी में ही घर है। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि गंगा में नहाने से, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि गंगा के नहाने से कहाँ कोई नर तर सकता है, अगर ऐसा होता तो मछली क्यों नहीं तर जाती जो पानी में ही रहती है। यहाँ पर यह बात ध्यान देना रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोमकहा, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति का खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तो उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों से बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान में संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर आने अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे, क्योंकि वो आए नीची और अशिक्षित उससे थे, लेकिन और उनको शास्त्र का ज्ञान भी नहीं था, तो अपने आप को अगर उनको रहस्यदर्शी प्रदर्शित करना था तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि पंडितों और विद्वानों को फटकारा जाए। सद्गुरु की महात्म सिद्धों में भी और उसमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के योगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद कर उसमें स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कई बार अलग अलग तरह से घुमा के पूछ लिया जाता है। नाथ पंथ के जो योगी थे वो कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इससे वे कनफटे कहलाए। क्या कहलाए? कनफटे। इससे वे कनफटे कहलाए। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपुताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। कहाँ? राजपुताने तथा पंजाब की ओर। अतः जब मत का प्रचार करने के लिए इस पंथ की में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिसकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था, क्योंकि इन्होंने अपना पंजाब और राजपुताने की तरफ ज़्यादा प्रचार किया, तो वहाँ की बोली को प्रयोग किया, वहाँ की भाषा बोली को। और क्योंकि इन्हें जो मुस्लिम लोग थे वो ज़्यादा दिल्ली के आसपास रहते थे, तो वहाँ की दिल्ली के आसपास की जो खड़ी बोली थी उसका भी इन्होंने अपनी उपदेशों में, अपनी बानियों में प्रयोग किया। इससे उनका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथी की इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सागधुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। अब आपको समझ आया, क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो उस समय की परंपरागत साहित्य या काव्य भाषा थी, जो कौन सी थी, नागर अपभ्रंश या ब्रज, उससे उन्होंने अलग एक भाषा को प्रयोग किया जो साधुकड़ी कहलाई, और जिस लिए कुछ राजस्थानी थी। ठीक है, जो साधुकड़ी भाषा थी वो कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी भाषा थी। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथपंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथपंथ में आ गए। अब भी इस देश के में बहुत से मुसलमान योगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं, और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल के चटगांव के राजा थे, और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरखनाथ की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई हैं। देश भाषा में लिखे गए गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं, और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार और गोरखनाथ जी की वाणी। ये सब ग्रंथ गोरखनाथ के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हुए। गोरखनाथ के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी, उसमें प्राकृत अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता था। उपर्युक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई त्रप नरपति में भी अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरखपंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हूँ। एक पद का एक नमूना देखिए: स्वामी तुम्हें गुर गोसाई, हम्बे जो जिस बद एक बूझबा, निरारंबे चेला कुण विधि रहे,
सतगुर होई सा पूछी पूछिया कहे। अवधु रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोधा, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है, मतलब इनका पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्दत रचनाओं की भाषा देश भाषा और मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की श्रेष्ठ भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी जैसे भैले, बुढ़ली मिले हुए। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात व्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हमें उद्दत रचनाओं के से जो मारिया, पाइठू, जाए, किचई, करंत, जाब, ताब, जब तब के लिए, मई, कोई इत्यादि के प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौर सेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कंडप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो ये बात साफ झलकती है। वे यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली यानी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली हुई है, है ना। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित साधुकड़ी भाषा है, पर रमैनी के पदों की भाषा काव्य भाषा की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात संवत 690 के हैं, अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चलने लगता है। दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। वज्र यानी सिद्धों ने के निम्न श्रेणी की प्रायः अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने वाह पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि की प्रति वो अपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों द्वारा अटपटी बाणी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई। नाद बिंदु सुरत निरत जैसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत और ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्ध और योगियों द्वारा बनाए गए रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर और संतों की नाथ पंथियों ने जिस प्रकार साखी और बाणी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री साधोकड़ी भाषा भी। ये ही दो बातें दिखाने के लिए हम इतिहास में सिद्धों और योगियों का वर्णन दिया गया है।
उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई भी संबंध नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सिद्ध और नाथ रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में रखे गए हैं वो सिर्फ इन्हीं दो बातों के कारण रखे गए हैं। जो रामचंद्र जी मूल रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जरूरी समझते हैं उन गुणों का सिद्धोनाथों की रचनाओं में अभाव, इसीलिए उनके हिसाब से ये सांप्रदायिक शिक्षा मित्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते, अतः हम धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख संग्रह करता हूँ रचनाओं के क्रम से करते हैं। तो अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए रुचिकर हो जाएगा, कुछ हमको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे समझने जैसी चीज़ें आ जाएंगी। अभी तो हमने देखा नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय ने किस प्रकार से अपने धर्म का प्रचार किया और किस किस तरह की बोलियों का प्रयोग किया। इसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो मैंने नीचे आपको अंडरलाइन करके बता दिया था। कल से हम आगे पढ़ेंगे, कोशिश संभवतः वो आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं जीके के एक बहुत अच्छे करंट अफेयर्स की। ये देखिए, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, डिग्री कॉलेज हो या जिस भी परीक्षा में जीके को क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उसकी दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को के प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं और पुस्तकालयों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर एक वर्ष के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है। एक वर्ष के लिए कुआलालंपुर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है, यानी वर्ष 2020 में जो पुस्तक राजधानी, विश्व पुस्तक राजधानी रहेगी वो कुआलालंपुर, जो मलेशिया की राजधानी है, वो रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। कमेंट्स करते रहिए, वही आपकी मेरे लिए आपका साथ है, उसी के द्वारा आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। लाइक करने में तो कम से कम कंजूसी मत करिए, एक ही बटन को क्लिक करना होता है। कमेंट्स द्वारा फीडबैक देते रहिए और भी अपने नए नए आइडियाज़ मुझको बताते रहिए जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।